दिल्ली के अंदर बहुत बड़े सेठ जिसका नाम था ताराचंद, बड़े दान पुण्य में ख्याति थी, बहुत दूर दूर तक नाम था, मंदिर मस्जिद गौशाला धर्मशाला, किसी गरीब की लड़की ब्याही पाठशालाओं में दान दिया करते, बहुत दूर दूर तक उनका बड़ा नाम था। और एक उसका भाई हरिराम, जिस तरह हमारे भाई को तेरे एनू हरिराम इस बात पर बड़ा जाया करता, भाई ताराचंद का ही नाम पुकारते क्यों पुकारते, तेरा नाम क्यों नहीं, झूठ कपट छड़ दगा बेईमानी, मैं खास करया था उसू मन मन में सोच रहा, और ताराचंद छत्ती में खटकम नाश करया था, बैठा पड़ा खटोली में, और वह सेठानी आई कह लगी सेठ जी यो जनता लेकर गया सोच तीन लाठी चढ़ गया, और देख सुबह होगी उठ ले, क्यों पड़ा है खटोली में, नहा धो स्नान कर के बात है, बोला तेरे नाम का लेकर रहा होगा तेने, मेरे नाम की तो तिरासी बारह बज रहे हैं, बोली के बात इतना छो में क्यों आया, बोला बस छो में आ गया बता दी तेरे भाई, नुगली बात तो बता के से, बोला रे सारे उस तरह चंद का नाम रटे जय जयकार करे, मन्ना कोई कुछ दाए नहीं, प्रेमी सदनों निंदनीय व्यक्ति हो जाता है जो समाज में उसका नाम नहीं होता, बुराई। कवियों ने बताया, बड़े महान संतों ने बताया कि ये इंसान के पार उतरने के दो ही रास्ते बताए, या तो शुभ कर्म या फिर पतिव्रता के, और पतिव्रता जिसकी होगी उससे शुभ कर्म करने से पार उतरता है इंसान, और दो रास्ते, एक बुराई का और एक अच्छाई का, मानस ने न्यू मेरा से वह मन तो मरना, अरे जो जन्मे है सो मरण में, ये नाशवान है शरीर, मरना तो है ही लेकिन बुराई बुरा कुहा के कभी नहीं मरना चाहिए, परमात्मा का भजन करो, दान करो, पुण्य करो। और तू नू कह बोला ताराचंद का नाम से, बोले और बोला तने कदे ये काम करे है कौन से, के इन कामों से उसकी इज्जत बनी है, तने बता ये काम करेगी, वो सेठानी हरिराम की सेठानी क्या कहती क्या बता, सतगुरु पाई ज्ञान का सत्संग ना संत
छोरती यात्रा ना करी ना सतगुरु का चेला तेरी को भैया मैं बैठी उठना वरम समापत की करना
बातों को हर बार क्यों गाया जाता है और क्यों सुना जाता है? क्योंकि ये बातें हैं सदाबहार। इन बातों के अंदर ज्ञान है, इंसान बनने की चीज है, लेकिन समझने वाला ही समझता है। ये बताया कि धन की गति बताई दादा ने, धन की गति कैसे कैसे होनी चाहिए, किसी को धन से गणाए, दान करो, धर्म करो, किसी गरीब की छोरी ब्याह दो, लंगड़ा लूला है जो काम नहीं कर सकता अपने आप का उसका सारा लगा दो। एक आदमी को धन क्यों नहीं देता परमात्मा, सबको क्यों देवे और सबको किसी को कितना है किसी को कितना है, और सारे नंबर पर क्यों नहीं करता? ये अपने अपने दिमाग की बात, ये पता है इंसान को। बस थोड़े धन वाला मानस तो थोड़े में सबर कर ले, घने वाले का सबर ना होता। और परमात्मा उनको धन इसलिए देता है ताकि बराबर वाले का भी सारा ला दे, लेकिन नहीं, उस माया के चक्कर में ही उसका दिमाग खराब रहता है, क्योंकि दान धर्म कर नहीं सकता और वो माया आखिर में पाप बन के सिर पे बैठ जाती। कौन सी गति बताई पंडित जी ने, क्या कहा भला? से दोनों साधु 100-100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बार बार आदेश है, धन्यवाद।